प्रस्तुत एकांकी देश के दुश्मन श्री जयनाथ नलिन जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की वीरता, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य प्रायणता, निस्वार्थ भावना, त्याग और बलिदान का यथार्थ वर्णन किया है। आइए देखते हैं एकांकी देश के दुश्मन, जिसकी निर्देशिका हैं सुधा जैन सुदीप। अरे छोटी, नाश्ता बस तैयार है। इतने तुम अपना पेन पेंसिल तैयार करो कि नाश्ता मेज पर आया। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं चाहिए भाभी, आज यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है। तो क्या भूखी जाओगी? 4-5 घंटे किताबों में आके गड़ा कर आओगी और फिर आते ही हाय सिर दुखा, हाय कमर टूटी, इतनी क्या पता गई कि नाश्ता तक नहीं। आज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आएंगे, उनका भाषण होगा। अभी तक रानी जी की कंगी तो हुई नहीं और जल्दी ऐसे मचा रही है जैसे अब गाड़ी छुट्टी। आज तक कोई प्रोफेसर समय पर आया भी है पीरियड लेने? पीरियड ना लेना तो कॉलेज के प्रोफेसरों की शान है शान। अगर अब नाश्ता करने बैठी तो यही 9 बज जाएंगे, 8:30 तो हो ही चुके हैं। अरे छोटी, तू नाश्ता कर और भाग जल्दी। लाओ फिर जल्दी करो, बस आ ही रही हूँ मैं भी। आज छोटी कर ले नाश्ता। भाभी आप भी खाइए। नहीं खाई छोटी, इस तेल में मन रखने के लिए एक निवाला खा लेती हूँ। हे भगवान, ये क्या नर्स हो गया? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आइए बैठिए माँ जी। दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों? क्या कोई कष्ट है? मम्मा। कुछ नहीं बेटा, यह खबर सुनने से पहले ही प्राण क्यों नहीं निकल गए मेरे? हे भगवान, ये क्या वज्रपात कर डाला? कौन सा वज्रपात माँ जी, कुछ बताओगी भी? क्या बताऊं बेटा, अभी अभी माधुराम के घर रेडियो पर खबर सुनते ही मेरी छाती क्यों ना फट गई। रेडियो पर? रेडियो पर क्या खबर सुनी माँ जी? बागा बॉर्डर पर 2 सरकारी अफसर मारे गए, वहीं पर तो मेरा जयदेव भी था। हे भगवान, मेरे जयदेव की रक्षा करना। भैया के बारे में ऐसा शुभ क्यों सोचते हो अम्मा? मरने वाले के नाम तो नहीं आए माँ जी? फिर वहाँ तो 500 पुलिस वाले, कोई उनका बाल विवाह का नहीं कर सकता। अशुभ नहीं सोचती बेटा, पर कलेजा धक धक कर रहा है। तुम्हारे पिताजी भी लुटेरे हथियारों चीनियों के विरुद्ध भारत की सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान हुए थे। उनके जाने के बाद मैंने तुम दोनों को किन किन मुसीबतों से पाला। हे भगवान, मेरी तपस्या का यह फल। यह तो हमारे कुल के लिए गौरव की बात है कि हमारे पिताजी हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हुए थे। इसका वरदान हमें भगवान डन के रूप में नहीं देंगे। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माँ जी, ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी आके अर्घ चढ़ाते हैं। वे भी जय जयकार करते हुए देश पर निशावर होने वालों का स्वागत करते हैं। गर्व और गौरव की बात तो है बेटी, पर अब हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी अकस्या सुनती हूँ तो कांप उठती हूँ। तुम्हारे पिताजी के बलिदान पर तो हृदय पर पत्थर रख लिया, पर अब हिम्मत टूट चुकी है और ढे झंझर हो चुकी है। अगर मेरे जयदेव का बाल भी बाका हुआ तो मैं पल भर भी जी नहीं पाऊंगी, जी नहीं। हौसला रखिए अम्मा, कुछ नहीं होगा भैया को। कुछ नहीं होगा माँ जी, हौसला रखिए। मीना, अरे मीना, मीना है क्या? आइए चाचा जी। अरे 9 बज गए, पढ़ने नहीं गई क्या? बस जा ही रही थी चाचा जी। पायला को चाचा जी। जीते रहो बेटा।
आइए बैठिए चाचा जी। अरे भाभी को क्या हुआ, क्या कोई तकलीफ? बस यूं ही घबरा गई थी, दिल सा धड़कने लगा है। अभी अभी तो माधोराम की घर से आ रही थी, सोचा पूछाऊं जयदेव की कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई, घर आने वाला था। बस आते ही होंगे एक आधे दिन में। आने वाला था ना 15 दिनों की छुट्टी लेकर, पर आता कैसे, ना उसकी कोई खैर खबर, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। तो भाभी इसमें घबराने वाली क्या बात है, अफसर तो पल भर में अपना प्रोग्राम बदल लेता है, किसी यार दोस्त से मिलता रह गया होगा तो खैर खबर तो भेज देता। आजकल के बच्चों में यही तो बड़ी लापरवाही है, हमारे ही बलवा को देखो, 2-2 महीने तक एक हाथ पर चढ़ जाने पर भी कोई जवाब नहीं देता, उल्टा हमें ही शिक्षा। भला ये भी कोई बात हुई, नीरे बहाने चलने लगे हैं। बहाना नहीं चाचा जी, इन तस्करों से के लिए निपटने के लिए तो जान पर खेलना पड़ता है, और कभी कभी तो गोलियां तक चल जाती हैं। तभी तो मैं कहूँ इसीलिए तो मेरा कलेजा धक धक कर रहा है, ना जयदेव आया ना उसका कोई पत्र। आज सवेरे रेडियो पर खबर आई है कि भागा बॉर्डर पर 2 सरकारी अफसर मारे गए। हाँ हाँ ये खबर तो मैं भी अभी अभी 8:45 वाली खबरों से सुनकर आया हूँ। बताया जा रहा है कि उसमें 2 सरकारी अफसर मारे गए, उनमें एक हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर था। जयदेव का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या ये सच है? अरे वाह मेरे जयदेव बेटा, अरे नीलू बेटी जा अपने चाचा के लिए चाय नाश्ता ले आ। ना ना बेटी बहू नानी, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी तो नाश्ता किया। चाचा जी आपको ऐसे ना जाने देंगे, आपको मेरी सौगंध। जो आप लोगों में यही तो बड़ा अब है, बात बात में सौगंध, एक तो पहले ही पेट तना है ऊपर से सौगंध। क्या हुआ भैया, बच्चों का मन रखना तो बड़ों का काम है, ये जितनी आपकी सेवा करेंगे उतना ही आशीर्वाद भी लेंगे। हाँ हाँ भाभी ये तो सही बात है। लीजिए चाचा जी, पिए भैया साहब। लीजिए चाचा जी। बस बस बेटा लीजिए लीजिए। मीना बेटी अखबार में पूरी खबर सुनकर पढ़कर अपनी भाभी को सुना देना, जयदेव भी एक आध दिन में आता ही होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। अरे मीना बेटी सुना तो सही अखबार में क्या खबर आई है। अमावस्या की अंधेरी रात थी, तस्करों के गिरोह ने किसी तरह बिजली भी फेल कर दी थी, 2-4 संतरी धीरे धीरे गश्त लगा रहे थे और कुछ अफसर कैंप में चकन्ना बैठे थे। कुछ ही देर बाद रात के सन्नाटे में संतरियों ने आकर खबर दी कि सीमा से कुछ मील दूर लाइट सी नजर आई है और शरण बाद फिर बंद हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ? ये देखिए अम्मा, इसमें तो भैया का नाम भी छपा हुआ है। अरे सुना तो सही, मेरे जयदेव के बारे में यहाँ इस अखबार में क्या खबर छपी है? लिखा है भैया ने तुरंत टेंट में से निकले और जवानों को जगह जगह तैनात कर दिया, कैंप से करीब 1/2 मील की दूरी पर एक जीप आकर रुकी है और 6-7 आदमी जीप में से उतरे, तो फिर माँ भैया ने उन पर टॉर्च से रोशनी डाली और आदेश दिया, खबरदार हैंड्स अप, भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जवाब में उन लोगों ने भी पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, पुलिस ने भी गोलियों से जवाब दिया। अरे वाह कितनी हिम्मत है, मेरे जयदेव को तो नहीं कोई चोट आई? नहीं, 15 मिनट तक गोलियां चलती रही, 2 पुलिस के आदमी मारे गए और 3 उनके, बाकी 3-4 रात के अंधेरे में छिपकर अपनी जान बचा कर भाग गए। हमारी पुलिस जब लाशों के पास पहुंची तो 2 पैकेट मिले जिनमें 5 लाख का सोना था। अच्छा 5 लाख का सोना, कितने लुटेरे हथियारी कसाई हैं ये स्मगलर, इनको अमावस की अंधेरी रात को सांप बिच्छू से डर नहीं लगता? माँ जी लाखों रुपए कमाने का लालच इतने इतना अंधा बना देता है, इतना निडर बना देता है, ना तो इन्हें सांप बिच्छू का डर रहता है ना शेर चीते का, अपने ही स्वार्थ में लगे रहने के कारण ये तो देश के हित को भी भूल जाते हैं। अम्मा अब आप ठीक है ना? हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ, तू अगर अपनी क्लास लगाना चाहती है तो जाकर अपनी क्लास ले। हाँ, मैं भी चलती हूँ क्लास अटेंड करने।
है भाभी, मैं जा रही हूँ। ठीक है छोटी। भैया, अम्मा, भैया, भैया, अरे जयदेव तू आ गया, मैंने तेरा इतना इंतजार किया। अरे बाप रे जयदेव, आ जा बैठ जा। अरे नीलम बेटी, अपने जयदेव के लिए चाय नाश्ता ले आ, तब तक मैं मंदिर हो आती हूँ और भगवान का धन्यवाद कर आती हूँ, उसने मेरे जयदेव को सही सलामत घर भेज दिया। नमस्ते जनाब, जाओ हम ना बात करते आपसे, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, सबको मुसीबत में डाल दिया। माँ जी को तो दिल का दौरा ही पड़ने लगा था। और क्या नहीं, 3 दिन हो गए छुट्टी लिए और अब बता रहे हैं श्रीमान जी सबको परेशान कर मारा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम लोगों को बेबक सिर्फ घबराना आता है। समगलोरों का सामना करते हुए 2 सरकारी अफसर मारे गए थे ना। हाँ तब यह खबर सुनकर तो अम्मा को दिल का दौरा ही पड़ने लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि चाचा जी आ गए और ये अखबार दे गए, जिससे सच्ची खबर का पता चला। जब इन्हें पता चला कि आप कुशल से हैं, तब जाकर सांस आई। अरे वाह मेरी प्यारी अम्मा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। बैठो यहाँ, अभी चाय वाय की कोई जरूरत नहीं, सारे रास्ते चाय पीता आया हूँ। अच्छा, अब थोड़ी देर अपने भाई की वीरता के गप्पे सुन ले, पेट में अनेक वीरता की कहानियां भरी होंगी। वे बाहर निकले तभी तो चाय के लिए जगह बने। तुम सुनो अपने पति देव की कहानियां, मैं तो चली कॉलेज क्लास अटेंड करने, पहले ही लेट हो रही हूँ। अच्छा हाँ बताइए, अब 3 दिन लेट क्यों हो गए? यहाँ रात देखते देखते आंखें पथरा गई, वहाँ तो जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पे क्या बीत रही है। इसमें घबराने की क्या बात है, तुम लोगों को सिर्फ बेबक घबराना आता। अरे यहाँ रात देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। शेष बातें छोड़ो और बताओ 3 दिन लेट क्यों हो गए थे? मैं जो कहूँगा खुदा को हाजिर नाजिर रखकर कहूँगा, सरकार के दरबार में कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ हाँ बताओ 3 दिन लेट क्यों हो गए? हुआ यूँ कि जैसे ही मैं घर की ओर निकला, तभी गुप्तचरों से यह खबर मिली कि कुछ तस्कर सोना स्मगल करने वाले हैं। अच्छा वाह, आपकी सीआईडी इतनी तेज है, इतनी सतर्क है, यह है खुद सुनकर तो मुझे बहुत प्रशंसा हुई। तभी तो मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। अच्छा। और उन्हें पकड़ने का पूरा इरादा बना लिया, भाग्य ने भी साथ दिया, हमने जो सोचा था वही हुआ। अच्छा। रात के अंधेरे में एक घने जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से कुछ बदमाश सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमने उन्हें चैलेंज किया। अच्छा। उन्होंने भी बदले में हम पे गोलियां चलाई ताकि हम डर जाएंगे और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। अच्छा तो वे भागे नहीं? भागने की कोशिश तो की थी, पर हमारे 2-3 जीपों ने उन्हें आगे से जाकर घेर लिया और मैंने अभी अपनी गोली का निशाना उनके जीप के पहिए को बनाया और उनका पहिया उठ गया और वह जाकर एक खड्डे में गिरे और हमने ऐसे उन्हें पकड़ लिया। अच्छा वाह जनाब ने तो फिर कमाल ही कर दी। लगता है फोन आ रहा है। हाँ देखती हूँ मैं। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? मैं आपके इलाके का DC बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जयदेव से मिलने आना था, क्या वो घर पर आ चुका है? इलाके के DC साहब है, पूछ रहे हैं मिलने आना है। हाँ बोल दो आ जाए, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा। आ जाइएगा, वह आपकी प्रतीक्षा करेंगे। चलो ठीक है मैं आता हूँ। भला ये भी कोई बात हुई, अभी सफर से आकर कपड़े तक नहीं बदले, मुंह हाथ नहीं धोए, कह देते अभी जरा थका हूँ दोपहर बाद आना। अरे पुलिस और सेना की नौकरी में भी थकना, यह तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई। यह कह देता कि अभी अपनी प्राण प्रिया से बातें कर रहा हूँ। अरे चलो जाओ हटो भी, जाकर 2-2 महीने तो आप चिट्ठी तक नहीं भेजते। अरे नीलम बेटी
अब तक तुमने जयदेव को चाय नाश्ता नहीं दिया? नहीं माँ जी, लाती हूँ। मैं ही चलती हूँ रसोई। हाँ हाँ माँ जी, लाती हूँ। माँ जी मैं ला रही हूँ। मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया। माँ जी चरण स्पर्श करता हूँ। जियो मेरे लाल, आओ। बधाई मिस्टर देव। थैंक यू सर। खबरदार जो मुझे सर्वर कहा। मैं तुम्हारे बचपन का वही दोस्त हूँ और वही साथी हूँ जिससे हाथापाई के बिना तुम्हें रोटी हजम नहीं होती थी। हाँ हाँ सर्वर तो सब कहने के लाने की बातें हैं। और बताओ भाभी जी और बच्चों का हाल, कब हुआ ट्रांसफर? अभी 4-5 दिन हुए हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, लीजिए चाय पानी लीजिए। माँ जी आज मैं अपने लंगोटे यार की मित्रता और सूझबूझ पर आपको और अपनी प्यारी भाभी जी को बधाई देने आया हूँ और साथ ही एक खुशी की खबर भी है। आज शाम हम शहर की तरफ से देव का सम्मान करने जा रहे हैं। यार इसकी क्या जरूरत थी? ये मेरी तरफ से नहीं, ये तो बन्नल साहब की तरफ से फोन आया है और साथ ही 10,000 का इनाम भी स्वागत सभा में घोषित किया जाएगा। तो मेरी ओर से यह घोषणा भी कर देना कि वह 10,000 रुपए उन शहीद विधवा पत्नियों में बांट दिया जाए जिन्होंने मेरे साथ लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी। अरे देव तुम ये क्या कहते हो, 10,000 की रकम को यूं ही ठोकर मार रहे हो? क्यों माँ जी ये ठीक है? हाँ बेटा, 10,000 की रकम कोई थोड़ी बात नहीं है, पर उन विधवा पत्नियों के बारे में तो सोचो और उनके बाल बच्चों के बारे में तो सोचो। मैं तो अपने पति की वीरता पर ही नहीं उनकी करुणा और त्याग पर भी गर्व कर सकती हूँ। सचमुच आज मैं अपनी पूज्य माँ जी और अपनी प्यारी भाभी जी और अपने लंगोटे यार की मित्रता पर गर्व से छाती फुला सकता हूँ। देव तुम्हारा त्याग अन्य अफसरों के लिए अनुकरणीय है,